टास्क रेलिवेंस अचीवेबिलिटी एंड सक्सेस दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिचुनस ऑफ हैविंग अ बेटर क्लास रूम ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जो टास्क हैं उनकी नेचर क्या है सबसे पहले तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका जो टास्क है वो मीनिंगफुल है मीनिंगफुल टास्क आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू कीप अ लाइफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास रूम अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो वो टास्क जो है उसके लिए मीनिंगलेस है और स्टूडेंट जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और इसके साथ साथ वो उसको लिंक नहीं कर पाता विद रियल लाइफ सिचुएशंस खास तौर पर जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को मुस्तकिल लिंक करें टू रियल लाइफ सिचुएशंस क्योंकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो अपने कॉन्टेक्स्ट जो अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेट कर कर कॉन्सेप्ट जल्दी सीख जाते हैं तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है वो टास्क रेलिवेंस जो आपकी आ जाती है एंड यू आर एबल टू गिव मीनिंगफुल टास्क तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या आपने कोई एक्टिविटी दी है तो उसको मीनिंगफुल होना चाहिए उसका जो अल्टीमेट आउटकम है वो अचीवमेंट के जरिए सामने आना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है डो नॉट गिव टास्क फॉर द सेक ऑफ गिविंग टास्क अगर मीनिंगस टास्क है तो उसका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वह अच्छा नहीं होता स्टूडेंट जो हैं फिर वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं एंड वेन द रोट मेमोराइज कॉन्सेप्ट देन इट लीड्स टू मीनिंगस लर्निंग सो ट्राई टू अवॉयड सच सिचुएशन इसके अलावा ये बहुत अहम है कि जो टास्क हैं वो अचीवेबल हों स्टूडेंट्स जो हैं वो जितने भी टास्क उनको दिए गए हैं वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट और अचीव कर सकें अगेन अगर वो नहीं कर सकते तो फ्रस्ट्रेशन सेट्स इन और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स में पढ़ सकते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि अपने टास्क जो हैं उनको मीनिंगफुल रखें उनको अचीवेबल रखें आमतौर पर हम बाजों का टास्क को इतना चैलेंजिंग कर देते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ना सीख पाते हैं ना अचीव कर पाते हैं और उसका जो ग्राउंड रिजल्ट है वो ज़ीरो हो जाता है टू अवॉइड सच सिचुएशन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है यू नीड टू नो योर स्टूडेंट वेरी वेल यू नीड टू नो दैट हाउ कैन यू से टास्क ऑन देयर अचीवमेंट्स एज फार एज ऑन द इंटरेस्ट लेवल स्टूडेंट और टास्क को अचीवेबल रखें क्योंकि जो सक्सेस है इट लीड्स टू फर्दर लर्निंग बिकॉज इट लीड्स टू मोटिवेशन और स्टूडेंट्स जब मोटिवेट होते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं इसके अलावा इस चीज़ को सामने रखें कि जो टास्क हैं वो वेल well स्ट्रक्चर्ड हैं जब आप कि कोई भी टास्क कोई भी एक्टिविटी जो है वो देते हैं तो उसको पहले से ऐसे स्ट्रक्चर करें कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिविटी करने बैठें कोई टास्क करने बैठें तो उसमें उनको कोई परेशानी ना हो और उसमें जो टीचर है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो उस्ताद है वो मुस्तकिल सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट को एंड दिस इज वॉट यू कॉल एस के फोल्डिंग प्रोसेस जिसमें एक मुस्तकिल सपोर्ट किया जा रहा है सो दैट द स्टूडेंट्स दे स्टे ऑन टास्क एंड दैट इज ओनली पॉसिबल वंस द टास्क इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इट हैज वेरियस स्टेप्स एंड द वेरियस स्टेप्स आर प्रॉपरली फॉलोड थ्रू केयरफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो वेल स्ट्रक्चर्ड टास्क होते हैं दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ द करिकुलम बट प्लीज एंश्योर दैट वेन यू हैव टास्क दे आर स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इंगेज इन द एकेडमिक प्रोसेस उनकी एक्टिव जो है वो बेहद जरूरी है इसके अलावा ये भी ख्याल रखें कि जो टास्क हैं वो इतने चैलेंजिंग हैं कि स्टूडेंट उसको कीन इंटरेस्ट के साथ कर सके जैसे मैंने आपको पहले बताया